पहले भागीरथी, भागीरथी ये धारा, इसके बाद यहां पर आप लिख लीजिए धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा, नाम याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, धौली गंगा। और एक है विष्णु गंगा, कौन सी गंगा? विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये कहां से निकलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों से जो मिलकर कहां कहां मिली ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे पॉइंट बना रहा हूं चेक पॉइंट, उन सभी के बारे में बताऊंगा कहां पर मिली और कौन सा जो है वो किस नाम से, फिर वो नदी का आगे नाम क्या पड़ा। फिर इसके बाद जो ये निकली ये थी अलकनंदा। क्या थी? अलकनंदा। आगे अलकनंदा और भागीरथी जब मिली कहां मिली ये भी मैं आपको बता दिया पहले ही, कि प्रयागराज में मिली, प्रयाग में। और फिर यहां से जब निकली नदी तो उसका जो नाम था वो है गंगा। हाय गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज हम बात करने वाले हैं द रिवर सिस्टम इन इंडिया, भारत का जो नदियों का जो तंत्र है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और उसमें बात करेंगे जो सिंधु नदी तंत्र की, गंगा नदी तंत्र की, यमुना नदी तंत्र की, कावेरी नदी तंत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की, यमुना नदी तंत्र की, इन सभी जो नदियों की आज हम बात करने वाले हैं। और बात करेंगे उस हिसाब से कि इनका उद्गम कहाँ होता है, जो आपके मतलब आपके जो लेवल की हो, बिल्कुल भी जो है थ्योरी बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। देखो सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें क्या होता है, यदि मैं सिंधु नदी बोलूं तो एक सिंधु नदी हो जाएगी, और सिंधु नदी तंत्र तो इसमें हम जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेंगे। अब देखो सबसे पहली बात होती है कि जो सिंधु नदी है उसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, आपको आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जैसे इसका दूसरा नाम है इंडस। क्या नाम है? इसे इंडस नाम भी कहते हैं, INDUS, इंडस। इस नाम से भी जानते हैं इसको, इंडस नाम से भी बुलाते हैं, इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो सिंधु नदी के उद्गम स्थल की मैं बात करूं, उद्गम कहां से होता है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, बोखरचू हिमानी। कहाँ है? तिब्बत में है, जो मानसरोवर झील के समीप बोखरचू हिमानी से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। आप लिख लीजिए बोखर चू हिमानी, यहां से इनका उद्गम होता है, मानसरोवर झील के पास से। कहां से? तिब्बत मानसरोवर झील के पास से। आपको एक चीज और बता दूं, जो सिंधु नदी है वो कितने देशों में बहती है, तो मुख्यतः आपको पता होगा पहला हो गया तिब्बत, तो चीन, फर्स्ट जो देश हो गया वो चीन, सेकंड वाला इंडिया, और थर्ड जो है पाकिस्तान, और फिर गिरती कौन से सागर में है? अरब सागर में, दक्षिण उत्तर भाग में बहती हुई, दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हुई पाकिस्तान में कहाँ गिर जाती है? गिर जाती है अरब सागर में। तो जो कौन कौन से देश हो गए, एक तो हो गया भारत, भारत देश में बहती है, चीन के तिब्बत से तो उद्गम होती है, और पाकिस्तान में बहती है। तो कौन कौन से देश हो गए, ये तीन देश हैं जहां पर सिंधु जो नदी है वो बहती है। अब मैं बात करूं कि किस जगह पर कितने किलोमीटर बहती है, तो समथिंग जो भारत में, भारत की बात करें तो 1100, लगभग 1141 किलोमीटर जो है सिंधु नदी बहती है, और बाकी जो है थोड़ी बहुत चीन में और बाकी पाकिस्तान में जो है वो बहती है। यदि मानचित्र में देखा जाए तो मानचित्र में जैसे ये चीन है, तो यहां तिब्बत से जो है हिमालय की पहाड़ियां हैं, और यहां से जो ये नदी निकलती है और जम्मू कश्मीर से होती हुई ये पाक है, और पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से जो है ये सबसे ज्यादा बहती है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, बोखरचू हिमानी से। कई बार ऑप्शन आपको दे दिया जाता है और उसमें से भी आपको पूछ लिया जाता है। अब देखो इसका जो टोटल
टोटल इसकी लंबाई की बात करूं तो टोटल इसकी लंबाई होगी 2880 किलोमीटर, मतलब 2880 किलोमीटर जो है ये बहती है, और गिरती कहाँ है, ये जाकर गिरती है अरब सागर में। कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में जाकर जो सिंधु नदी है वो गिर जाती है। आप सभी को पता होगा, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता की भी इसी में बात कर लेते हैं। देखो, ये आपने नोट कर लिया होगा, सिंधु जल समझौता है वो हुआ था 1960 में। कब हुआ था? सन 1960 में। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंधु जल समझौता। जी हाँ, कब हुआ ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यह हुआ था 1960 में। किन किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य, इंडिया और पाक के मध्य, इंडिया और पाक के मध्य हुआ। कब हुआ? 1960 में। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर से कि सिंधु जल समझौता हुआ तो उसमें कितना जो जल है वो भारत के लिए निर्धारित किया गया, वो किया गया था मात्र 20%। कितना परसेंट? कि भारत जो है वो सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों से कितने परसेंट जल ले सकता है? 20% जल ले सकता है। ये था सिंधु जल समझौता। यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। कब हुआ था? 1960 में। भाई 20% जल का जो उपयोग है वो कौन कर सकता है? भारत कर सकता है, और पाकिस्तान जो है वो पूरे 80% जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन सी, कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, तो इसमें जो है वो सहायक नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है एक नदी के विकास में। देखो, नदी के जल के विकास में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है कि जब नदी, मान लीजिए यहां से इसका उद्गम हो रहा है, उद्गम हो रहा है इसका, लेकिन इसका यहाँ तो बहाव क्षेत्र यहाँ से उद्गम हुआ इतना था, लेकिन धीरे धीरे इसका बहाव क्षेत्र कम हो जाता है। लेकिन जब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो मिलती हैं तो वापस इसका जो बहाव क्षेत्र है और जो जल धारण क्षमता है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो है वो बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं। देखो, सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां आपने सुना होगा, सेलम, चिनाब, ताप्ती। ये जो नदियां हैं, सेलम हुई, चिनाब हुई, ताप्ती हुई, रावी हुई, ब्यास हुई, कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज, ये जो नदियां हैं, सॉरी ताप्ती नहीं है, ताप्ती नहीं है, सेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और एक है जास्कर। कौन सी है? जास्कर और काबुल, ये जो नदियां हैं, और भी बहुत सारी नदियां हैं पाकिस्तान में, वो जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो मुख्यतः यही पूछा जाता है, सेलम, चिनाब, जो ये जो प्रसिद्ध नाम है आपके, जो आप भी जानते हो, सेलम, चिनाब को, जास्कर, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल, इन सभी जो नदियों को आप एक बार ध्यान से देखिए, ये जो है वो है सिंधु नदी की जो है सहायक नदियां हैं। तो ये था अपना सिंधु नदी तंत्र। अब इसके बाद में बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा जो है हिंदू धर्म की, भारत की सबसे पवित्र नदी जो है वो मानी जाती है। गंगा नदी तंत्र आराम से समझिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। देखो, गंगा जो नदी है उसकी दो धाराएं हैं जिनसे वो मिलकर बनती है। यहां पर देखिए आप कौन कौन सी धाराएं हैं,
और किससे कैसे मिलकर बनती है, और उनका जो है उद्गम स्थान कौन सा है। पहला है भागीरथी, भागीरथी। दूसरा है अलकनंदा, ये दो धाराएं, ये दो धाराएं मिलकर जो है कहां मिलती है, प्रयाग में। कहां मिलती है, प्रयाग में मिलती है, और गंगा नदी का नाम यहां से कहलाती है, प्रयाग के बाद ये कहलाती है गंगा। अब आपको एक हिस्ट्री और बता दूं कि जो अलकनंदा है वो भी दो धाराओं से मिलकर बनी हुई होती है। पहली धारा धौली गंगा, और जो दूसरी जो धारा मैं बताऊं आपको वो है विष्णु गंगा। देखो अलकनंदा, इसको मैं वापस रब कर रहा हूँ 1 मिनट, क्योंकि तो यहां पर थोड़ी जो है जगह स्पेस कम है। देखो पहले भागीरथी, भागीरथी ये धारा है, इसके बाद यहां पर आप लिख लीजिए धौली गंगा। कौन सी गंगा, धौली गंगा, नाम याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, धौली गंगा। और एक है विष्णु गंगा, कौन सी गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। ये कहां से निकलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों से जो मिलकर कहां कहां मिली ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे पॉइंट बना रहा हूं चेक पॉइंट, उन सभी के बारे में बताऊंगा कहां पर मिली और कौन सा जो है वो किस नाम से, फिर वो नदी का आगे नाम क्या पड़ा। फिर इसके बाद जो ये निकली ये थी अलकनंदा, क्या थी, अलकनंदा। अभी अलकनंदा और भागीरथी जब मिली कहां मिली ये भी मैं आपको बता दिया पहले ही, तो प्रयागराज में मिली, प्रयाग में। और फिर यहां से जब निकली नदी तो उसका जो नाम था वो है गंगा, गंगा नदी। अब भागीरथी जो नदी है, जो धारा है, भागीरथी नदी मानो या धारा मान लो, जल की जल धारा कहां से निकलती है, तो ये निकलती है हिमालय के गंगोत्री से, गो के मुख से निकलती है। कहां से निकलती है, गंगोत्री, लिख लेना गंगोत्री, कहां से निकलती है, गंगोत्री से, हिमालय पहाड़ी है गंगोत्री, वहां से जो निकलती है वो धारा है भागीरथी। अब ये देखिए कि ये धौली गंगा और विष्णु गंगा ये कहां से निकलती है, तो मैं आपको बता दूं ये निकलती है सतोपत ग्लेशियर, ग्लेशियर से। कौन से ग्लेशियर से, सतोपत, सतोपत, सतोपत जो ग्लेशियर है उससे निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। ये कहां पर मिलती है, जब अलकनंदा जो धारा बनती है तो ये जो पॉइंट है यहां पर मिलती है, ये है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और यहां के बाद में ये कहलाती है जलधारा अलकनंदा। और अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है प्रयाग में, कहां मिलती है, प्रयाग में, प्रयाग में मिलती है, और प्रयाग में मिलने के बाद जो ये नदी है वो कहलाती है गंगा। इसे हिंदू धर्म में, हमारे भारत देश में बहुत ही जो है वो पवित्र माता के समान जो दर्जा दिया जाता है, बहुत ही जो पवित्र मानी जाती है। और आज तक जो कहते हैं कि जो गंगा का जो जल है इतना निर्मल होता है, इतना जो कि वो हजारों साल तक जो सड़ता नहीं है ऐसा बोला जाता है। इसमें कुछ साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि कुछ साइंटिफिक जो बैक्टीरियाज वो होते हैं वो पानी को सड़ने नहीं देते, लेकिन हम मानते हैं कि माता है, और जो गंगा का जो जल है वो शुद्ध होता है। आजकल पॉल्यूशन के कारण जो गंदगी टेटों पर गंदगी आपको देखने को मिल सकती है। देखो गंगा जो नदी है वो कौन कौन से देश से होकर बहती है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मुख्यतः बहती है भारत में, और कौन से देश में, बांग्लादेश में, दो देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों देशों में जो है वो गंगा नदी बहती है। अब गंगा नदी की
आगे बात करूं मैं तो गंगा नदी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। देखो गंगा नदी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से बहती हुई आती है। जी हाँ ये बात सही है। और वो मैदान में कौन से स्थान के बाद जो है वो प्रवेश करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा जो नदी है वो पहाड़ी क्षेत्रों से बहती हुई आती है और किस स्थान के बाद या किस क्षेत्र के बाद वो मैदान में प्रवेश करती है। तो आपका आंसर होगा हरिद्वार। आपका आंसर क्या होगा? हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार में पहुंचने के बाद वो कहां पर प्रवेश करती है? मैदानों में। उससे पहले वो जो रहती है पर्वतों में, पर्वतों में बहती है। फिर उसके बाद हरिद्वार के बाद जो कहाँ बहती है वो मैदानों में बहती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? कि भारत के कितने राज्यों से जो है वो गंगा नदी बहती है और सबसे ज्यादा कौन से राज्य में बहती है और सबसे कम जो है वो कौन से राज्य में बहती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत के 5 राज्य, याद रखिएगा देश तो 2 है, भारत और बांग्लादेश। राज्यों की बात की जाए तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो आप यहां देख लीजिए। अब आगे मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में कहां तक, पूरा मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद जो है वो पार्ट 2 आएगा, उसमें ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा इन सभी नदियों की डिटेल वाइज इसी प्रकार से हम जानेंगे। देखो मैं बता रहा था कि जो भारत के कितने राज्यों से होकर बहती गुजरती है जो गंगा नदी, तो 5 राज्यों से, याद रखिएगा 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूके मतलब उत्तराखंड, याद रखिएगा यूके शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, आप समझ लीजिए उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार बिहार आप देख लीजिए बिहार, झारखंड झारखंड और पश्चिम बंगाल पीबी, पश्चिम बंगाल पीबी, यूके यूपी बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं यहां से होकर बहती है हमारी गंगा नदी। अब ये बताइए, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा गंगा नदी कौन से राज्य में प्रवाहित होती है या कौन से राज्य में बहती है। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। आपका कौन सा आंसर होगा? आपका राइट आंसर यूपी, नहीं सॉरी यूपी नहीं होगा आपका, आपका राइट आंसर होगा यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है वो गंगा नदी है वो सबसे ज्यादा बहती है। कौन से क्षेत्र में? उत्तराखंड में सबसे ज्यादा। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बहती है और झारखंड, झारखंड में सबसे कम, सबसे कम बहती है गंगा नदी है वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बहती है और झारखंड में सबसे कम बहती है। आगे बढ़ते हैं। देखो गंगा जो नदी है वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में। जब गंगा नदी प्रवेश करती है बांग्लादेश में, इसे मैं रफ कर देता हूं, याद रखिएगा उत्तराखंड यूपी बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा बहती है उत्तराखंड में और सबसे कम बहती है झारखंड में, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर कि नदी कि किस प्रकार से बढ़ती है, कौन कौन से स्थानों से होकर बढ़ती है। देखिए यहां पर ये प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश कर जाती है? जो इस प्रकार है बांग्लादेश, मान लीजिए इस प्रकार है बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो है प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो गंगा नदी में जब मिलती है, यहां पर आप एक बात समझ लीजिएगा कि गंगा नदी में जब, प्लस मैं कर रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है तो कौन सी नदी कहलाती है। तो यहां पर गंगा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है तो ये जो आगे की नदी है ये कहलाती है पद्मा।
पद्मा, कौन सी? पद्मा, पद्मा नदी ये कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रखिएगा क्योंकि ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब सहायक नदियों की बात करूं तो सहायक नदियों में आता है यमुना, चंबल, सिंधु, सिंध। ये जो सारी नदियां हैं ये इनकी सहायक नदियां हैं। एक बार आप सुन लीजिएगा कि यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ओन, सोन और रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, महानदी, ये जो है दाई तट और बाएं तट से आकर जो है वो मिलती है। ये जो है नदियां हैं, जैसे यमुना नदी हुई तो वो कौन से दाई तट से मिलती है, गंडक हुई, ये जो नदियां हैं ये बाई तट पर आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये थी जो गंगा की सहायक नदियां। ये था पार्ट फर्स्ट। और पार्ट सेकंड में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और वहां पर जो द्वीप है सबसे छोटा द्वीप और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी है द्वीप, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर करें।